मैया जी है हम बार बड़ी अब सोच में बैठी हुई है मैया जी चेहरा उतारे भाभी देवर जी बताओ मैं एक बात के लिए मैं अफसोस में पड़ गई हूँ। क्या? मुझे दिल में अभिलाषा था मेरी देवर जी को लड़का होगी लड़का होगा आनी लड़की भी होगी सारे संपत्ति मैं लुटा देती आधा राज और बैंड पार्टी नाच पार्टी हर एक चीज में मंगाती परंतु हुआ क्या माँ जिसके कारण से उदास हो आ गया क्या लगाई बाते लगाई ऐसा आंसू पानी क्यों निकालती हो मुख से? मुझे दिल में अभिलाषा था मेरी मरण घर वाली को कुछ भी होगा मैं गोद में लेकर के आंगन आंगन में खेलती परंतु हुआ क्या जिसके कारण से अब सोच में हो? मेरी बात का विश्वास करेंगे कि नहीं भाभी? आज तक मैं भैया और भाभी के वचन को उल्लंघन नहीं किया हूँ। क्यों नहीं विश्वास करते आया हूँ माँ एक बार सुनाओ। ठीक है नूने मैं बताती हूँ। हर एक इंसान का गोद में बेटा बेटी पैदा होता है और मरण गर्भवाली को गर्भ से ईट और पत्थर पैदा लिया है नूनो। भावे श्री आज तक रोबल से मजाक नहीं की लेकिन खुशी के मौके पर आज मुझसे मजाक करती हो। कभी की हुआ नहीं करूंगी शबदीन मान लिया अब है मैया के सम्मान। हाँ देवर जी बात तो सही है किया ये है ना बोले मैया जी रोपल के सुना बैछा भाभी क्यों मजाक करती हो? नहीं ननु आपसे क्या रुदल की हंसी उड़ा रही हो माँ? नहीं ननु हंसी नहीं मैं उड़ा रही हूँ। मानव के गर्भ से ईंट और पत्थर का जन्म आज तक रुदल नहीं सुना है। अगर मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं चाहिए अपना परिवार को समझिए और परिवार से अपना समझ लीजिए बुझ लीजिए क्या जवाब करती है। अरे आप तो गए थे मरांगर 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 औरत का भेष पकड़ करके जुद करके साला से 12 वर्ष तक उस कलंकी को घर लाई है कलंकी को ईटा पत्थर वाले को पत्थर वाले को पत्थर वाले पत्थर किसी पास में फुलवा तुलवा फुलवा तुलवा कुछ कुछ नहीं है। वो तो मेरी अर्धांगनी है और औरत की तन एक औरत ही जान सकती है माता श्री किया ओला दे मैया जी मैं उल्हा नहीं दे रही हूं मैं सही बात बोल रही हूं
यहाँ के लोग तो रुदल कोलन देते ही, लेकिन तो अपने मुखार बिन से क्यों कहती हो कि आये उल आन भावे जे ते इस समय मेरी घर की लक्ष्मी है कहाँ मेरी फूला? कहाँ पर है? अंदर में है। जाके समझिए, बुझिए क्या जवाब करती है आपसे। ठीक है, मैं बुलाता हूँ अपने मोड़ंगरवाली को, आज तक झूठ नहीं बोली। हाँ बुलाइए। फूला है, कहाँ हो मेरी सड़की छत्र छाया है? दुनिया वालों से कहते हैं, कहता हूं मैं कि पत्नी होना चाहिए तो मेरी मोरंगर वाली की जैसा है, लेकिन आज तक मैंने उसे अपने हृदय में बसा कर अर्धांगनी से बात करता हूं। फूला मेरे पास आओ, मुझे बार बार उलहम देती, इतनी दिन तो भाभी तुम्हें दे रही थी, लेकिन आज रुदल को भी दे रहा। कर्म लगाते घर के लक्ष्मी हम बार बोला कार बोल काता है पड़ंगनी मादर के हैं जाएंगे रुदाल से आओ कोला हाँ में देख बे जी है आज मैं अपने स्वामीनाथ से कैसे चेहरा दिखाऊंगी माँ? चेहरा छुपैले चलई सातिया लाने आओ कि मैं अपने स्वामी की चेहरा नहीं दिखा सकती हूँ। बेर बेर उल्हा ले दे छै नैना गारबाली काला चोर्न सचे
आओ आओ भरली चेहरा छुपले चली सातिया लाने भोला के हमार नैना शनि रयो बहै छै सातिया बखो मेरी अर्धांगनी आज इतने दिन तो भावी सोना तुम्हें उलहन दे रही थी, आज रुदल को ऐसी वाणी कहा कि लगता है रुदल मर चुका है। सच बात है कि तुम्हारे गर्भ से ईंट और पत्थर का जन्म हुआ। सुनाओ फूला। हे स्वामी, मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोला हूं, नहीं बोल सकती हूं। जो दीदी मां ने कही है वो सच है। क्या वो सत्य है? शबीनाथ बोला नहीं शबी, अमृत क्षमा कर देना प्रभु। क्या वो बात सत्य है? आहो ये तना सो ले ये रुदाल सब गिरे मो कर दे। मुझसे बहुत बड़ा भूल जैसा न की रहे हो प्रेम हो काटल प्रेम चाहो भजो नारायण को ये बात सत्य है। हाँ स्वामी। भोला स्वामी, दुनिया वालों से कहता था कि पत्नी होना चाहिए तो मेरी मोड़ंगर वाली की जैसा, कि एक आवाज में एक लोटा पानी लेकर दौड़ जाती है मेरे पास। आज आज तूने मेरे सर पर बहुत बड़ा कलंक लगा दी।
अगर लोग सुनेंगे तो रुदल को देखकर हंसेंगे। आज रुदल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है। निकल जाओ मेरे घर से हरमजादी। नहीं साबी, मैंने कहा ना, आज दोनों के बीच जो पति और पत्नी की रिश्ता थी वह खत्म हो चुका। नहीं साबी, प्रेम करो, बंधन टूटे छई। और ताल से कुछ नहीं सुनेगा आज रुदल। नहीं साबी, अब चमक कर दीजिए प्रभु। नारियों पुरुष के रिश्ता टूटे छई मोहब्बत में। आ जाओ हरमजादी, दिल चाहता है सभी कि तुम्हें तरफा तरफा का मार दो। सभी हरमजादी, तुम रुदल की पत्नी कहलाने की योग्य नहीं हो। निकल जाओ मेरे घर से। सुनाई सुनेगा रुदल। करता हूं तुम्हें मैं 14 वर्ष के लिए प्रत्याग करता हूं इस राज भप्पा से। निकल जाओ मेरे घर से। नहीं साबी, और उतना ही नहीं, ये वस्त्र, ये आभूषण, ये सारी जो पहनी है मैंने अपने पैसे से खरीद कर दिया हूं, ये खोल कर रख दो। इस राज भप्पा से निकल जाओ। आज से रुदल के बीच में कोई संबंध नहीं रहा। नहीं सामी, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता। हट जाओ हरमजादी। सिर्फ इतना मदद करूंगा तुम्हारा, सेनापति को बुलाकर उस बन बवड़ी के जंगल तक छोड़ आने के लिए साथ में कर दूंगा। सामी, कुछ नहीं, जितना देर तू रहेगी उतना देर पिलाप करती ही रहेगी रुदल के सामने। करता शरण के सेवा कौन आपका सेवा करेगा। भोला रुदल कहे सेवा नहीं लिखा लछई।
अच्छा भी ब्याही के अतशे शाणापते जाओ इन्हें बनबबड़ी के जंगल में इन्हें छोड़ दो, एक फटा वस्त्र पहनाकर जो दुनिया के लोग नहीं पहचाने कि ये रुदल की धर्मपत्नी है और ये साड़ी जो है मेरे पास हाजिर कर देना, जितना देर रहेगी उतना देर तक ये विलाप करती ही रहेगी। जाओ सेनापति, यही रुदल की आदेश है क्योंकि एक बचपन से मैंने तुम्हें बड़ा किया। मैं आपका वचन नहीं काट सकती हूँ स्वामी, परंतु आप अपने मुख से मुझे आशीर्वाद दीजिए स्वामीनाथ। रुदल का आशीर्वाद है, जाओ तरपती रहो, लेकिन रुदल ये कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रुदल हंठी है, एक कावनों किला का शेर जानता है कि रुदल के आमने सामने कोई माय का लाल आज तक जवाब तक नहीं करता है। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से रुदल। जा कर्म के चुके चुकी के लिए माँ बेला कई हेलो परला में मैं सभी